को मैंने अपने समाचार पत्र शांति दैनिक राष्ट्र का वचन में एक समाचार प्रकाशित किया जो पूर्व मंत्री से संबंधित था। इस मामले को लेकर रात को 11 बजे धारीवाल समर्थक एक कांग्रेस नेता राजेंद्र सांगला ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन साइलेंट था, मैं सो गया था 11 बजे। सुबह जब मैंने फ़ोन देखा और फ़ोन के बाद मैंने जब व्हाट्सएप देखा तो व्हाट्सएप पर उसने मुझे धमकी दी हुई थी और कहा कि तेरे को 15 फ़ोन किए, तू फ़ोन नहीं उठा रहा है और तू घटिया आदमी है, सठिया गया है, तेरा अखबार को कौन पढ़ता है, इस तरह की बदतमीजी की। और उसके जो व्हाट्सएप मैसेज थे उससे ऐसा लगा कि मुझे धमकी दे रहा है और मुझे उससे खतरा है। इसी मामले को आज लेकर आज आईजी साहब को ज्ञापन दिया गया है कि मुझे पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और उसके समर्थकों से खतरा है, मेरे जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और मीडिया पर हमला है। ये बहुत गंभीर मामला है, जबकि मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ जो पत्रकारों की अग्रणी संस्था को नेतृत्व करता है, अग्रणी संस्था है पत्रकारों की। अगर मुझे धमकी दी जा सकती है, मुझे मारपीट करने का प्रयास किया जा सकता है, तो आम पत्रकार जो फील्ड में काम कर रहा है, अपना कवरेज कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो कैसे काम कर पाएगा। इसलिए पुलिस को इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस को और ऑल इंडिया कांग्रेस को चाहिए कि शांति धारीवाल जैसे नेता जो गुंडे पालते हैं, इनको तुरंत पार्टी से बाहर निकाला जाए।